नमस्कार, मैं किरण मेहता जयलक्ष्मी सिलाई केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो मैं क्विक स्टिच में आपको चीजें सिखाती हूँ डिजाइनिंग, तो आज मैंने आपको कुर्ती की डिजाइनिंग सिखाई है। कुर्ती के गले की डिजाइनिंग कैप्सूल शेप की डिजाइनिंग है, बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, आज हम सूट के अंदर एक डिजाइन बनाएंगे, बहुत सुंदर डिजाइन है। तो डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार एक कट लगाएंगे। ये कट लगा लिया हमने। कट लगाने के बाद इसके जो अंदर वाला हिस्सा है उसे तो हटा देंगे, क्योंकि आगे गला बनेगा, तो हम इसके अंदर गला बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने ये देखिए इस तरह कर लेंगे हम। अब हमें सबसे पहले गले की लंबाई देखनी है, कितनी रखनी है। जैसे गले की हमारी चौड़ाई तो है 3 इंच, ये देखिए चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई हमारी है 7 इंच। ये देखिए, ये 7 इंच, यहाँ 7 इंच का हमें गला लेना है। ये गला जो है कैप्सूल शेप में खुलेगा और बोट शेप गला है। तो बोट शेप जैसे हम लेते हैं 3 या 3.5 की लेते हैं बोट शेप गला। ये देखिए यहाँ हो गया, और यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेते हैं और लेके इस तरह करके बोट का निशान लगाएंगे। ठीक, फिर इसके नीचे यहाँ फिर से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये लगा दिया हमने, और यहाँ पे हम ये हमारे पास 6.5 आया है, और इधर भी 6.5 का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये लगा दिया, और लगाने के बाद इसको हम इस तरह मिला देंगे। ये मिला दिया हमने, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि इसकी इस जगह को इस तरह गोलाई में ऊपर मिला देंगे। ये देखो इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास 4.5 आ गया। ये आप चौड़ाई 4.5, 4, ये अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे मुझे ये 4 रखनी है, तो मैं इसको 4 करके इस जगह से इस तरह मिलाऊंगी। ये देखिए, क्योंकि ये 4.5 अगर हम ज़्यादा बड़ा रख देंगे तो जब हम ब्रा डालेंगे तो वहाँ यहाँ स्टेप दिखने के चांस रहते हैं, तो इसलिए ये देखिए ये हमने डिज़ाइन यहाँ डाल दिया, ये डाल दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमारे को इसके अंदर से इस कटिंग को काटना है। ये कटिंग हम काटेंगे, और फिर ये जो ऊपर का पोर्शन है जैसा हमने इस पे बनाया है ऐसे का ऐसे हम दूसरे कपड़े पे बनाएंगे। तो दूसरे कपड़े पे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इस डिज़ाइन को इस तरह करके गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए, बहुत आसान करके मैं तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको हल्की फुल्की सिलाई भी आती है तो आप बहुत ईजिली इसको बना सकेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया खूब, और फिर हम कपड़ा लेंगे, इसका बचा हुआ कपड़ा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें डिज़ाइनिंग देनी है। तो इस तरह करके इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद इसको इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर रख लिया, रख के मैंने इसको डिज़ाइन को इसके ऊपर ले लिया। ये देखो, ये हमारा डिज़ाइन इसके ऊपर आ गया। तो अभी हम बताएंगे इसको क्या करना है। इसे तो अब हम एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि अभी इसमें से डिज़ाइनिंग कटेगी। अब हम सबसे पहले जो है इसका ये हिस्सा काटेंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हमने गोलाई वाला निशान लगाया था, पहले हम इसका इस हिस्से को काटेंगे। ये देखिए, ये हमने काट दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको अलग कर दो, और इसको हमें संभाल के रखना है। जब हम डिज़ाइनिंग लास्ट में फेयर करेंगे तो हमें इससे ही मार्क लेना पड़ेगा। अब हमने जो इसके ऊपर डिज़ाइन उतारा था, अब उस डिज़ाइन को देखेंगे। ये देखिए, ये हमने डिज़ाइन इसके ऊपर उतार लिया था, ये हमने उतार लिया था। अब हमें इस कपड़े को ही 4 तह में मोड़ लेना है। इस डिज़ाइन में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है, बस कपड़े की शॉर्टेज मत करना। अगर कपड़े की शॉर्टेज करी तो आपका डिज़ाइन जो है ख़राब हो जाएगा भाई, क्योंकि कपड़ा या तो आप बचा लो या फिर सुंदर सा डिज़ाइन बना लो। बस ये है, ये देखिए, ये ऐसे रखेंगे। ये रखा हमने, रखने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर ये जो हमारा गला आया था इस गले को ऐसे फेयर कर लो, और इस डिज़ाइन को भी फेयर कर लो। ये हमने फेयर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको यूं का यूं ही रख लो, ऐसे रख के। ये तो हमने बोट शेप गला काट लिया,
ये देखिए ये काट लिया, अभी हमने यहाँ पे तीरे का निशान नहीं लगाया इसलिए हम इसको यूँ सीधा ही काट लेंगे, बड़ा ही काट लेंगे, बाद में छोटा करेंगे। और फिर ये जो हमारी ये गोलाई आई है इसमें यहाँ पर इस तरह करके आधा आधा इंच इसकी पूरी गोलाई में यूँ बढ़ाएंगे, ये देखो ये बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद हम इसे काट लेंगे, ये हमने काट लिया। यहाँ पे अभी तीरे की जो शेप होनी है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी काट दी तो हो सकता है उस पर लगाने के बाद हमारा कपड़ा शॉर्ट पड़ जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, इसको और इसको आपस में मिला दो, ये देखिए मिला के इधर से तो ये बोट गले को ऐसे सिल देना और इधर से इसको सिल देना ताकि एक के ऊपर एक जम जाए, फिर मैं बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने, ये देखिए ये हमने पूरा इस पर जमा दिया है, ये देखो ये जमा दिया, और ये हमारा ऊपर का जो डिज़ाइन है इसको भी जमा दिया, ये देखिए गले के पास भी जमा दिया, मतलब जमाने का मतलब यह है कि हमने इसके ऊपर इस तरह करके सिलाई चला दी है, ये देखिए ये सिलाई चला दी हमने, ठीक है ये दिख रही है ना, ये सिलाई चला दी। और फिर इसी तरह हमने आगे वाले गले के ऊपर भी कर लिया, ये देखिए ये आगे वाले गले पे भी हो गया। ये सारे काम जब हम कर लेते हैं, ये देखिए ये कर लिए ना, ये देखिए ये सिलाई लगा ली, और इसके ऊपर भी ये देखिए ये सिलाई लगा रखी है, ये देखिए और ये देखिए इसके ऊपर भी सिलाई लगा रखी है। इन सबको मैंने एक साथ जमा लिया है, ये हमारा आगे का हिस्सा हो गया, ये ऊपर की डिज़ाइनिंग हो गई, और ये पीछे का हिस्सा हो गया, इन सबको जमा लिया है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, काली पाइपिंग काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ इसके अंदर कपड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए कपड़े की आप शॉर्टेज मत करना, नहीं तो ये डिज़ाइन उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा। अब पाइपिंग जो है कोशिश ये करनी है कि बड़े कपड़े में से निकालें जिसमें से जोड़ वाली पाइपिंग ना आए, क्योंकि जोड़ वाली जब पाइपिंग आती है तो वो कहीं कहीं उभरा उभरा दिखने लगता है, तो इसलिए जो है स्मूथली डिज़ाइन बनाना है तो आपको कोशिश ये करनी है बड़े कपड़े में से लंबी पाइपिंग निकालनी है जिसमें से जोड़ ना आए। ओके मैं अभी पाइपिंग काट के और इसके ऊपर यहाँ लगा के इस पर भी और इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी तीनों पर लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमने डिज़ाइन जो था इसके ऊपर पाइपिंग लगा ली है, अब हमें इसके तीरे की शेप काटनी है। तीरे की शेप काटने के लिए हमें इस तरह रखना है, इसको पीछे से देखना पड़ेगा ये कहाँ पे हमारी शेप आ रही है, ये देखिए ये यहाँ हमारी शेप आ रही है, ये देखिए अब हम इसे इसी तरह रखे रखे ही काट देंगे, ये देखिए ये हमारी शेप कट गई। देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये जो कटिंग आपको कहा था कि इसको संभाल के रखना, तो इसको हमें क्या करना है, इसको इस तरह इक्वल करके ए इसके ऊपर इस तरह काट लेना है, ये काट लिया। अब हम इसे फेयर कर रहे हैं तो हम इस कटिंग को इस जगह पे जैसे ये थी वैसी की वैसी रख लेंगे, ये देखो ये हमने रख ली, ये हमने रख ली, और यहाँ से हमने चौक से दोनों तरफ मार्क भी कर लिया, ये देखिए कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कटिंग को ये जो है ये इसे हमें इसके ऊपर इस तरह रखना है इक्वल करके, ये यूं रखना है, यूं रखना है, और यूं रख के इसको इसके साथ ऐसे अटैच करते हुए इधर भी सिलना है और इधर भी सिलना है यहाँ भी, और इसी प्रकार यहाँ भी सिलना है और यहाँ भी सिलना है। जब ये दोनों तरफ से सिल जाएगा तभी हम बीच का कपड़ा हटा देंगे और ये हमारी डिज़ाइनिंग इस प्रकार निकल जाएगी। ओके मैं अभी इसको करके, और एक चीज़ और होनी है इसके ऊपर वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अभी इसके ऊपर जो है हमें ये लैस लगानी है, तो ये लैस लगाएंगे तो हम इस पर जमाने से पहले मार्क तो हमारे आ गए हैं, इन मार्कों को तो हम गाढ़ा कर लेंगे ये, और ये जो डिज़ाइनिंग है ये अभी हमें बचा के रखनी है संभाल के, बाद में हम इसका एक बार और चेक करेंगे। इसे यूं लेंगे और इस डिज़ाइनिंग के ऊपर इस तरह करके पहले ये लैस लगाएंगे और फिर हम इसके इस साइड भी ये लैस लगाएंगे, ए इस साइड भी ये लैस लगा देंगे, ये इस साइड भी लैस लगाएंगे
और इसके गले पे भी लैस लगाएंगे। हम ये लैस वगैरह लगा के अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती नेक डिज़ाइन कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है। ये जो हमने आपको कपड़ा एक कहा था रखना है बचा के, अब मैंने इसको जब इसके ऊपर सेट किया, ये देखिए बिल्कुल कितनी खूबसूरत शेप बन के आई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती नेक डिज़ाइन अब बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।